मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से यह सिद्ध होता है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को बीते 5 वर्षों में आर्थिक बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के लिए निराशावादी प्रतीक है। प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में देश में बढ़ रही भीषणतम बेरोजगारी से लड़ने का कोई प्रशस्त मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। भारत में 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर 6.1% होकर सर्वाधिक स्तर पर है। केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले न सिर्फ NSSO की इस रिपोर्ट को दबा दिया था, बल्कि मीडिया में इसकी जानकारी होने पर इसको स्वीकार भी नहीं किया था। मगर अंततः नई सरकार के गठन के बाद ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी करना पड़ी। इतना ही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 25 जून 2019 तक भारत की बेरोजगारी की दर 8.1% तक पहुंच गई है। भारत का वर्कफोर्स 4.7 करोड़ से घट गया और साथ ही 3.7 करोड़ अनियमित मजदूर, जिसमें 3 करोड़ कृषि मजदूर हैं, उन्होंने अपनी नौकरियाँ गंवा दी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में 7% विकास दर का आंकलन करता है, मगर आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बरकरार रहने की कोई बुनियाद नहीं बताई गई है। इतना ही नहीं, सेक्टर वाइज ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी नहीं दिए गए हैं। वर्तमान में विकास दर 5 वर्ष के निम्न स्तर पर है। वर्ष 2018-19 के चारों क्वार्टर में विकास दर लगातार गिर रही है। क्रमशः 8.0, 7.0, 6.6 और 5.8% है। संभवतः 2019 के पहले क्वार्टर अर्थात अप्रैल से जून में इसके और नीचे जाने की संभावना है। देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 10 माह से बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। रशलेन डेली ऑटो न्यूज सर्विसेज के अनुसार देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति, टाटा, होंडा, महिंद्रा आदि की 35,000 करोड़ रुपए की कारें पिछले 7 महीने से बगैर बिके कारखाने में खड़ी है और कई कंपनियों के टू व्हीलर लगभग 17,000 करोड़ रुपए के हैं, इतनी ही अवधि में बिक पा रहे हैं। मारुति सुजुकी, होंडा कार, सिंडिया, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ड निसान, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने बड़ी संख्या में अपने प्लांट कई कई दिनों के लिए बंद रखे हैं। द कंपोजिट इंडेक्स ऑफ फैक्ट्री इन सर्विसेज के अनुसार सर्विस सेक्टर पिछले 13 महीने में पहली बार सिकुड़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमुख कारक है ग्रोथ, जॉब, एक्सपोर्ट और डिमांड का, जबकि सच्चाई ये है कि नया निवेश अपने 15 साल के निचले स्तर पर है। नए पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट 47% से नीचे गिर गए हैं और ये 14 साल में सबसे निचले स्तर पर है। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट 26% की दर से ठप्प पड़े हैं, जो अब की सर्वाधिक दर है। एक्सपोर्ट की ग्रोथ यूपीए सरकार की तुलना में 15 गुना नीचे आ गई है। यूपीए के दौरान 393% थी, जो भाजपा की सरकार में 26% है। भाजपा सरकार का मेक इन इंडिया अब तक एक जुमला साबित हुआ है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भाजपा सरकार में पिछले 5 सालों में सिर्फ 0.5% बढ़ा है। स्मॉल मीडियम फॉर माइक्रो उद्योग नोटबंदी के सदमे से अब नहीं उबर पाया है। मुद्रा लोन का एनपीए 2019 में 126% तक पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ मई 2019 में 6% थी, जो जून 2019 में 4.5% तक गिर गई है। इसका अर्थ साफ है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मात्र 2.9% की दर से वृद्धि 2018-19 में देखी गई। एग्रीकल्चर वेजेस में मात्र 4.64% की वृद्धि हुई है। देश में रोज 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कमजोर मानसून फिर खेती के लिए संकट साबित हो सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार वित्तीय संस्थाओं को संरक्षित रखने में नाकामयाब हुई है। बैंकों और NBFC ने लिक्विड का संकट दिखाई दे रहा है, जिससे MSME सेक्टर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। NBFC में क्रेडिट संकुचन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन 31% तक पहुंच गया है, जो कि सीधा सीधा ऑटोमोबाइल, कृषि और MSME को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार प्रॉपर्टी से संबंधित लोन 50-80% तक कम हुए हैं। कृषि लोन 55% से घटा है। एजुकेशन और हाउसिंग लोन 42-23% से घटा है। ये धीमी अर्थव्यवस्था के साफ संकेत है। देश की भाजपा सरकार ने भारत को बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।